दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि Redmi की जो नोट सीरीज होती है वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर होती है, चाहे वो Redmi Note 5 Pro हो, चाहे Redmi Note 6 Pro हो, चाहे Redmi Note 7 Pro हो, और चाहे Redmi Note 8 Pro क्यों ना हो। अब दोस्तों एक और स्मार्टफोन नोट सीरीज का लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है Redmi Note 9 Pro। ये स्मार्टफोन दोस्तों नोट 8 Pro का सक्सेसर है, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ Redmi Note 8 Pro काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल स्मार्टफोन था। अब देखते हैं Redmi Note 9 Pro में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, सब कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं Redmi Note 9 Pro के बारे में। तो वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे Redmi Note 9 Pro के डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस बार Redmi Note 9 Pro में आपको डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिल रही है। बैक में यहाँ पे आपको चार कैमरे का सेटअप देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कैमरे बिल्कुल बीच में देखने को मिल रहे हैं, और कैमरे यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड में नहीं दिए गए हैं दोस्तों, स्क्वायर मोड में आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बैग जो है वो ब्लू कलर में आता है, वो बहुत ज्यादा दिखने में प्यारा लगता है। और दोस्तों मैं आपको चीज और बता दूं, यहां पे बैग इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ आता है, काफी ज्यादा कमाल का लगता है। और दोस्तों मैं बात करूं यहां पे इसकी डिस्प्ले की, तो यहां पे आपको 6.67 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और ये डिस्प्ले आपको बिंदी नॉच के साथ आती है। यहां पे आपको बीच में गोल वाला कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और हां दोस्तों, ये डिस्प्ले भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ मिलती है, मतलब बैक और फ्रंट दोनों साइड ही आपको ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। और हां दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि बैक में यहां पे कोई भी फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था, और आपको पता है कि ये एमुलेट स्किन नहीं है, तो यहां पे आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है वो पावर ऑन ऑफ बटन में मिल रहा है, मतलब साइड में आपको यहां पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। मतलब जैसे ही आप पॉकेट से फोन निकालेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो हाथ है वो हमेशा पावर बटन पर ही जाता है, तो वहां पे आपको ये फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। और हां दोस्तों, यहां पे आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है, मतलब आप कह सकते हैं आप अपनी उंगली से और आप अपने फेस से अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 4GB 64GB वही 6GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। और हां दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे। वैसे दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि Redmi Note 8 Pro आया था, उसका बेस वेरिएंट दोस्तों 6GB से स्टार्ट हुआ था, और यहां पे आपको 4GB से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट हुआ है। वैसे दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, कमेंट में बताएं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर दोस्तों के साथ जरूर से कर देना, क्योंकि Redmi की नोट सीरीज के बहुत सारे दीवाने होते हैं, तो उनको भी ये वीडियो पता चल सके कि Redmi का नोट 9 Pro आ गया है। लेट्स टॉक अबाउट अब बैटरी की, बैटरी कितनी चलेगी। तो यहाँ पे आपको 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और ये दोस्तों मैं आपको बता दूँ 18W के फास्ट चार्जर के साथ आती है। 3.5 जैक भी देखने को मिल जाता है, और टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों यहाँ पे 18W का फास्ट चार्जर आपको दे दिया गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज नहीं करता है, मतलब आप कह सकते हैं 2.5 से 3 घंटे आपके फ़ोन को चार्ज होने में लगेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बैटरी भी 5020 mAh की बड़ी है, चलेगी तो ठीक लेकिन चार्ज बहुत जल्दी नहीं होगी। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा था कि बैक में यहाँ पे आपको चार कैमरे देखने को मिले थे, वो भी स्क्वायर मोड में, तो उस कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 48MP का रियर सेंसर देखने को मिल जाता है, 8MP का यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, 2MP का दोस्तों यहाँ पे आपको डेप्थ सेंसिंग देखने को मिल जाता है, और 2MP का दोस्तों यहाँ पे आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की दोस्तों बात करना चाहें तो बिंदी नॉच में यहाँ पे आपको 16MP की सेल्फी भी देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप अपनी सेल्फी अच्छी ले पाएंगे। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि उनको पता है कि लोग कैमरे के साथ साथ गेमिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो परफॉर्मेंस भी उन्होंने अच्छी डाली। इसमें आपको क्वालकम का स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, मतलब आपकी गेमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है इस स्मार्टफोन के साथ में। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फ़ोन पूरा अच्छा बेशक हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा बनाता है उसका प्राइस। जी फ्रेंड्स, इसकी जो 4GB 64GB वाले बेस वेरियंट
की प्राइस है वो 12,999 रुपए है। वही दोस्तों 6GB 128 वाली की प्राइस है वो 15,999 रुपए, मतलब आपको 16,000 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं तो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये फ्लिपकार्ट से जाकर के परचेस कर सकते हैं, लेकिन परचेस करने से पहले मैं आपको अपनी एक राय जरूर से देना चाहूंगा, वो प्लीज जरूर से सुन लीजिए। दोस्तों आपको पता है ये रेडमी नोट 8 प्रो का सक्सेसर बनकर के आया है, ठीक है, जिसका नाम है रेडमी नोट 9 प्रो। लेकिन इसमें दोस्तों सक्सेसर के हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं दी गई है। मैं आपको यहाँ पे एक कंपेरिजन बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ, वो है कैमरे का। यहाँ पे दोस्तों रेडमी नोट 8 प्रो आया था, वहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर दिया गया था, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर दिया गया। प्राइस दोस्तों उसकी भी 15,000 रुपए थी और यहाँ पे दोस्तों इसकी प्राइस 16,000 रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंट आ रहा है प्राइस को लेकर के, कैमरे को लेकर के। तो मैं आपको दोस्तों जरूर से सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ रेडमी नोट 8 प्रो के लिए ही, लेकिन रेडमी नोट 9 प्रो के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों आप समझ सकते हैं। चलो दोस्तों इस वीडियो में पसंद आए, मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ दोस्तों अगर वीडियो में कुछ कमियां रह जाती हैं तो हमें कमेंट में बता दिया करें, जैसे कि हम आने वाली वीडियो में अपडेट कर सकें। और हाँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी तक बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर से करना ताकि लोगों को पता चल सके रेडमी नोट 9 प्रो तो आया है लेकिन रेडमी नोट 8 प्रो का वाकई में सक्सेसर नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। मैं लोग आपको इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।